कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल श्री जी उत्सव। आइए आज हम अपने आपको अपने कान्हा के एक नए रूप में दर्शन कराते हैं, जिसमें कि कान्हा ने हमारे शिव और पार्वती लड्डू लाडो ने शिव और पार्वती का रूप धारण किया है। तो आइए बताएं कैसे। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को गोपी चंदन जो होता है सबसे पहले वो लगा दिया है। देखिए गोपी चंदन को पानी में घोलकर थोड़ा सा और गुलाब जल में वो लगा दिया। इसके बाद हमने व्हाइट वाटर कलर लिए हैं, जिसमें कि हमने ब्लू और व्हाइट कलर को मिक्सअप करके भोलेनाथ का कलर बनाया है। और ये मैं उनकी आंखें बना रही हूँ, देखिए, और ये उनके लिप्स, और ये अब मैं त्रिपुंड बना रही हूँ, जो उनके माथे पर त्रिपुंड है ये वो बना रही हूँ। और अब मैंने अपने लड्डू को भोलेनाथ की ड्रेस पहनाई है, देखिए। और इस तो अब उनके मैंने बाल लगा दिए, देखिए कितना प्यारा स्वरूप आया है। और अब उन्हें मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है, और उनके जो बालों का ऊपर जुड़ा होता है उस पर भी मैंने रुद्राक्ष की माला लगा दी है, जिसके बीच में से गंगा की धार निकल रही है और चांद उनके मस्तक पे विराजमान है, देखिए। और चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है, जिसमें से गंगा जी प्रकट हुई भी नजर आ रही है, देखिए। और इस तरीके से हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार बनके शिव। और ये है हमारी लाडो रानी, जो कि इस वक्त माँ गौरा का रूप धारण करके, देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए हमारे लड्डू भगवान शिव और हमारी लाडो माँ गौरा के रूप में कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए मैंने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, इसीलिए मैंने अपने ठाकुर जी का, कल सोमवार भी था तो मैंने कहा चलो इनका शिव और पार्वती का मैं स्वरूप बनाती हूँ अपने ठाकुर जी का। मैंने इसीलिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव और पार्वती का श्रृंगार किया है, और मेरे लड्डू और लाडो बन गए हैं शिव और पार्वती। देखिए हमारी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही हैं माँ पार्वती के रूप में, और हमारे लड्डू जी देखिए भगवान शिव के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं ये आपसे प्रार्थना करूं कि आप शिवरात्रि पे सभी अपने कान्हा को शिव का रूप धारण करवाएं जरूर, क्योंकि भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, वो जरा से ही आपकी तपस्या से प्रसन्न जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे, जल भी चढ़ा देंगे, उससे ही भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने कान्हा को, लड्डू और लाडो को मैंने शिव और पार्वती का रूप धारण करवाया है। ये देखिए उनके पास एक बैल भी खड़ा किया है मैंने, और हमारी ये हमारी जुगल जोड़ी है, और ये उनकी अष्ट सखियां, ये इस तरीके से देखिए मैंने कितना सुंदर श्रृंगार करा है अपने शिव और पार्वती का। जो मेरे लड्डू लाडो है वो शिव और पार्वती के रूप में, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग भी मुझे अपने ठाकुर जी का शिव रूप में श्रृंगार करके जरूर पिक्स सेंड कीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल पे आप सबकी पिक्स दिखा सकें और सबको आपके ठाकुर जी के भी दर्शन करा सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे, ओम नमः शिवाय।